ओम शांति। अव्यक्त मार्ग के पथिकों को आज के इस अव्यक्त पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी गति अभी वतन की ओर बढ़ जानी चाहिए। जैसा संकल्प, जितना तीव्र संकल्प रखेंगे उतना ही तेजी से धरती भी हमें छोड़ने लगेगी। जिसने जो हिसाब लेने होंगे वो अपने हिसाब लेने आ जाएंगे। हिसाब लेने कोई आता है तो दुविधा में नहीं आना, वो आपको हल्का करके जाएगा। जब अपनी किश्त, अपना इंस्टॉलमेंट, अपना ऋण चुका कर जाएगा, आपको हल्का करके जाएगा। बड़ी सूक्ष्मता से हिसाब किताब को समझना है, कैसे हिसाब किताब बनता है, कैसे चुकता है, इस पर बहुत चिंतन करना है। फिर हर एक का हिसाब किताब खजानों से चुकाया जाता है, और हमारे खजाने हैं प्रेम, शांति, क्षमा भाव, दया भाव, योगदान, प्रकाश। ये हमारे खजाने हैं। एक प्रश्न है, ईर्ष्या, द्वेष, व्यर्थ चिंतन, या चिंता के द्वारा, चिंता को ले लीजिए, चिंता के द्वारा भारीपन फील करने के द्वारा हिसाब बनते हैं या चुकते हैं? चिंता के द्वारा हिसाब बनते हैं या चुकते हैं? हम सभी को समझ तो है, पर कई बार वो अच्छी समझ पुराने संस्कारों के नीचे दबके रह जाती है। मेजॉरिटी की विचारधाराओं के नीचे दब कर रह जाती है। अभी देखिए आप कितने समझदार हो। एक का भी उत्तर नहीं आ रहा कि चिंता से चुकता है। अपने आप से पूछना, क्योंकि अगर मैं अब आपसे पूछूंगा तो आपका जो दूसरे वाला जो धोखेबाज मन है या प्रभावित बुद्धि जो है
मन्मथ और परमथ से प्रभावित बुद्धि जो है, दिमाग जो है, वो उसका ऐसा उत्तर देगा जो आपके पुरुषार्थ को रोक देगा। इसलिए खुद से पूछना है ये बात, इस पे नहीं लिखना। जब आपको इतनी समझ है कि चिंता से हिसाब बढ़ते हैं, तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? फिर व्यर्थ चिड़चिड़ापन, क्रोध, अहंकार, फिर इससे और भी जो बड़े बड़े विकार आत्मा को सब बांधते हैं, यहां तक कि ये देह का भान, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं इस दुनिया का रहने वाला, ये वाली चेतना, मैं इस दुनिया का रहने वाला, मैं भाई, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार है, ये वाली फीलिंग्स अभी और सूक्ष्म बताएंगे, ये वाली फीलिंग्स बांधती हैं या मुक्त करती हैं? ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, मैं फलानी जगह का, इस दुनिया का रहने वाला, ये बांधती हैं या मुक्त करती हैं? बड़े धैर्य से उत्तर दीजिए। जैसे सूत उलझा होता है, उसको सुलझाना होता है, तो धैर्य रखना होता है। हमको सब पता है, केवल सूत उलझा हुआ है, सब उत्तर ठीक लिख रहे हैं, देख, सब पता है, केवल सूत उलझा हुआ है, कंफ्यूज, ज्ञान कंफ्यूज हुआ पड़ा है। जब ये चीजें बांधती हैं, तो हम क्यों बंधे हैं? ये अपने से बात करनी है, जवाब नहीं देना। जवाब देकर फ्री नहीं होना है। कोई कहेगा संस्कारों के कारण, कोई कहेगा 63 जन्म, 9 जवाब। धर्मराज को जो जवाब देना वो आज खुद को दे दीजिए। चलिए फर्ज कीजिए आज आपके सामने धर्मराज बैठा हो और वो ये प्रश्न पूछ रहा हो कि क्यों बंधे तुम? क्यों, जब समझ थी तुम्हारे पास, ईर्ष्या, द्वेष या मोह? मोह बड़ा सूक्ष्म विकार होता है, लोभ भी बड़ा सूक्ष्म, जो कई बार विकार की महसूसता देते ही नहीं। मेरापन भी बड़ा सूक्ष्म भान है। धर्मराज के आगे खड़े हो, उसने पूछा क्यों नहीं छोड़ा था मोह के, ममत्व के धागे, क्यों लोभ त्याग नहीं किया था? चलिए 1 नंबर डालकर
धर्मराज को जवाब दीजिए, बाबा की मुरली है, खुद के खुद धर्मराज बन जाओ तो धर्मराज की सजाओं से बच जाओगे। क्या जवाब देंगे धर्मराज को? कोई जवाब दे पाएंगे तो लिख के दिखा दीजिए। धर्मराज को जो जवाब दे पाएंगे, क्या बोल पाओगे अज्ञानतावश? नहीं, अभी बात समझ नहीं रहे। अभी भी बात समझ नहीं रहे कहीं। चलो अगला प्रश्न, थोड़ा और डीप रियलाइजेशन के लिए। क्या हम धर्मराज को कोई जवाब दे पाएंगे? क्या भगवान ऐसा कुछ मार्जिन रखेगा? बाप के रूप में क्या ऐसी कोई कमी रखेगा कि जब वो धर्मराज बनेगा तो आप थोड़ा भी उसको आर्ग्यूमेंट कर सको या कोई रिटर्न रिप्लाई दे सको? क्या ऐसा रहेगा? दो नंबर डाल के लिखो। क्या कोई आर्ग्यूमेंट कर पाएंगे? क्या कोई जवाब दे पाएंगे? दो नंबर डाल के लिखो। क्या जवाब दे पाएंगे? अब देखिए, अभी उत्तर ठीक आया है। कई चीजों का खुद भाव ठीक से पकड़ नहीं पाते। अभी उत्तर ठीक आया है, 100% आया है, नहीं। इसलिए हे आत्मन, आज खुद के धर्मराज बनकर खुद का इलाज करो। अपने मन के सामने जो तुम्हारा गुलाम है पर तुम्हें धर्मराज की सजाएं दिलाने का काम कर रहा है, आज ही तुम अपने मन के धर्मराज बन जाओ। हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प पर अभी से पहरा बिठा दो। जब खुद सारे प्रश्नों का हल किया होगा और समय सफल किया होगा, समय और शक्तियां, चाहे वो तन है, मन है, धन है, संबंध है, संपर्क है, हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने पढ़ाया, एक दो साल नहीं, 100 वर्ष पढ़ाया, 85 वर्ष, 86 वर्ष तो हो गए, और भी देखो कितने मिलते हैं मालूम नहीं। एक डाउट और आया है,
गलती स्वीकार करेंगे तो सजा कम हो जाएगी। चलिए सभी बताइए, क्या धर्मराज के सामने उस वक्त अपनी लौकिक एजुकेशन से कंपेयर कर लेना इसको, क्या उस वक्त धर्मराज के सामने क्षमा मांगने से कुछ कम हो जाएगा? उस वक्त मांगने से एक है आज मांगना मानना, एक है उस वक्त मानना, कम हो जाएगा? तीन डालकर उत्तर लिखिए। आज सूक्ष्म प्रश्न चल गए हैं, तीन डालकर उत्तर लिखिए। ये गलत फहमी भी निकाल दी। इस वक्त धर्मराज को याद करके बाप के प्यार से शक्ति लेकर के ठीक कर सकते हैं। उस वक्त तो क्षमा मांगने की मार्जिन भी नहीं होगी, इसलिए हे आत्मन अब बताइए, अपने इन जवाबों के हिसाब से बताइए, हम जगे हैं या सोए हैं? अब जगे का मतलब भी दोबारा प्रश्न ना पूछना पड़े मेरे को, जगे का मतलब भी समझ के उत्तर दीजिएगा। चार नंबर उत्तर दीजिए, हम जगे हैं या सोए हैं? बड़ी सूक्ष्मता से एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करने से टच हो जाएंगी ये बातें। देखिए जैसे ही चिंतन ठीक चलता है तो उत्तर हमारा मन कितने ठीक देता है। चलिए जो भी उत्तर लिखे हैं इस दिशा में हम नहीं जाएंगे, इसके बाद आप खुद के खुद जिम्मेवार, खुद का जिम्मेवार खुद हर कोई है। हाँ अभी हम आपको जगा रहे क्लास के माध्यम से अवसर मिला है ड्रामा में, तो क्या समझते हैं, हम जगे हैं या सोए हैं? अभी दुविधा वाला धर्म संकट का प्रश्न पूछा है, हम जगे हैं या सोए हैं? आज नंबर में हमको सर्टिफिकेट दीजिए। पांच नंबर डालकर हमको सर्टिफिकेट दी। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद।
लेकिन हम खुद स्वीकार करते हैं, पूरा जागने का प्रयास पूरा करते हैं, फिर भी ये नहीं कह सकते हैं कि संपूर्ण जाग गए हैं। संपूर्ण जागने के रिजल्ट्स बहुत ही वंडरफुल होते हैं। इसलिए हर रोज अपनी जागृति को बढ़ाते जाना है, ठीक है। चलिए, कल के बाबा के जो महावाक्य थे आज उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। 26 मार्च 1970 की वाणी है। महारथी पन के गुण और कर्तव्य हमने देखा है। जितने हम सच्चे होते जाएंगे ना, सच्चे सेल्फ चेकिंग में भी और दूसरी चीजों की भी चेकिंग में, परख शक्ति और निर्णय शक्ति, जितने हम सच्चे होते जाएंगे, जितना दिल से, अभी आप में से बोल रहे हैं आप तो जगे हो, ये कहने से मैं हमें प्रभावित नहीं होना है। मुझे खुद को देखना है क्या मैं सही में जगी हूं। भले ही क्लास करा रहे, क्लास कराना तो एक आगे बढ़ने का अवसर है, क्लास कराना कोई संपूर्णता का लक्ष्य, संपूर्णता का सर्टिफिकेट नहीं है। जिस दिन संपूर्ण होंगे क्लास कराने से भी मन उठ जाएगा, इसलिए खुद चेक करना है। बाबा ने कहा था कल वाणी में, बोलना है या बोलने से परे जाना। कल विशेष बात कही थी, एक वो अवस्था जो करते हुए भी, कर्म करते हुए भी, बोलते हुए भी, बोलने से परे की अवस्था महसूस की जा सकती है। यानी इस दुनिया में बात कर रहे हैं, बात करने के साथ साथ उस स्थिति का अनुभव भी कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा था कारोबार में सब कार्य करते हुए भी इस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। फिर बताया जो महारथी होंगे, जो प्यादे होंगे, वो प्लान्स बनाते रह जाएंगे। जो प्यादे होंगे वो प्लान्स बनाते रहेंगे। जो महारथी होंगे, प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ, घुड़सवार प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिकल करेंगे। फिर कहा बचपन की बातें, बचपन की बातें छोड़ दो। बचपन की बातें बाबा ने क्या कहा कौन बताएगा? जो मुरली हाथ में लेके नहीं बैठे हैं या मुरली खोल कर नहीं बैठे, कृपया सामने मुरली ना खोलें, ये भी ठीक नहीं है। जो मुरली सुना रहे हैं तो सुनाने वाले से सुनो, दीदी सुनाए तो दीदी से सुनो, साथ साथ में पढ़ते हैं कहीं, वो भी जो ऊर्जा आ रही होती है वो ऊर्जा मिस कर देते। तो बताया था बाबा ने, क्या बचपन की बातें हैं,
संकल्प करना, प्लान बनाना, फिर उस पर चलना। संकल्प करना, प्लान बनाना, इसको नोट कर लीजिए। संकल्प करना, प्लान बनाना, फिर उस पर चलना। अब वह दिन नहीं, ध्यान रहे 50 साल पहली मुरली है। सोचना अब हम कहां पहुंच गए हैं, उस फैक्टर को भी ध्यान में रखना। संकल्प करना, और सभी को बोल दें, गहराई में सुन रहे हो, डरना नहीं, बाबा अभी साथ है, उसके साथ को लेके हम जल्दी करेंगे। इसलिए घबरा जाते हैं कहीं, जब गहरी बातें सुनाते हैं तो घबरा जाते हैं, हाय कैसे होगा, पहले अलबेलेपन में समय वेस्ट कर देंगे, फिर एग्जाम के नजदीक टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन हम आपको हिम्मत दिला दें, हम आपको याद करा दें, अभी जाग गए तो भगवान साथ है और बहुत जल्दी करवा सकता है। चलिए, संकल्प करना, प्लान बनाना, फिर उस पर चलना। अब वह दिन नहीं, अब पढ़ाई कहां तक पहुंची है। ध्यान दें, लौकिक पढ़ाई से कंपेयर कीजिए बाबा की बात को। एग्जाम के बिल्कुल नजदीक, एक दिन, दो दिन, चार दिन पहले, क्या ये विधि लगती है? संकल्प करेंगे, फिर टाइम टेबल बनाएंगे, फिर टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे, क्या ऐसा होता है? लौकिक पढ़ाई में समझ में आ जाएगा अगर कंपेयर करेंगे तो। संकल्प करना, प्लान बनाना, फिर उस पर चलना। अब तो अंतिम स्टेज पर है। महारथीपन के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं, इसको भी ध्यान देना। वो एग्जाम के एक दो दिन पहले ये विधि बंद हो जाती है, ठीक है, तो क्या करना होगा? चलिए आप कैच कीजिए, आप कैच कीजिए, दोबारा सुनिए आराम से। बाबा ने कहा, देखिए हम तो जनरली यही काम करते हैं, प्लान बनाएंगे, अब ये करेंगे, अब ये करना है, अब ये करके दिखाऊंगी, यही तो प्लान मेजॉरिटी करते हैं। कल से अमृत वेला, बस ये मकान बन जाए फिर मैं अमृत वेला भी मुरली के रेगुलर किया करूंगी, बस अब मैं पुरुषार्थ करूंगी। क्या करना है? ये अगर ठीक नहीं है, ये बचपन की बात है, बाबा ने गलत नहीं बोला इसको, ये गलत नहीं है, लेकिन ये बचपन की बातें हैं, तो मैच्योर बातें क्या है? प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक साथ, सोचा और किया, सुना और किया। लेकिन अब थोड़ा और गहराई में जाएं, जब तक बात अंदर ना जाए हमें आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है। जब तक ये बात समझ में ना आए तो वेस्ट हो जाएगा, ये महावाक्य वेस्ट हो जाएगा। अभी बात तो बड़ी अच्छी बोल रहे हैं, एक दो के जवाब बीच में ठीक भी आ रहे हैं, और थोड़ा दिमाग बोलिए और जवाब दीजिए, अभी भी जवाब में चेंज लाना है कुछ, थोड़ा ऐसा जवाब दीजिए जो लगे कि ये ठीक है।
जब हम इतने समझदार हैं जो आप लिख रहे हैं, फिर हम कर क्यों नहीं पाए? अब जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो करने के लिए पूछ रहे हैं। बातें शब्दों में ठीक हैं आपकी, चलिए ये भी एक चिट चैट हो रही है, आपकी बातें शब्दों में ठीक हैं, मेजॉरिटी की ठीक है, परंतु अभी कुछ बाकी है, कुछ बाकी है अभी, आना चाहिए आपके शब्दों में भी आना चाहिए। एक दो के चार के उत्तर से थोड़ा फीलिंग आ रही है। चलिए देखिए, सब उत्तर जब दिल से आएंगे, उत्तर तो शब्दों में तो ठीक है हमने कहा, परंतु इसमें आना चाहिए मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, कल बताया था, इस भाव से बैठें, जो बोला सो किया वो भी यहां का नॉलेज हो सकता है। ठीक लिखा है, अभी अभी करना है, अभी अभी करना है, इसमें भी कमी रह जाती है। इससे भी अच्छी अवस्था है, वो पिला रहा है, मैं पी रही हूं, पीना है नहीं, मैं इसी वक्त पी रही हूं, जो बाबा कह रहा है मैं इसी वक्त तो उसे पी रही हूं। एग्जीक्यूशन और ये वर्ड जो है ये भी थोड़े दिमाग के शब्द हैं, दिल के शब्द बोलते तो अच्छा लगता। प्रेम से ओतप्रोत होकर दिमाग के जवाब मत दीजिए प्लीज, दिल का जवाब जैसा आना चाहिए था, गलत नहीं है उत्तर, जैसे ये बातें भी गलत नहीं है, बाबा ने जो बोला गलत नहीं बोला उसको, इसी वक्त प्रेम में ओतप्रोत होकर, प्रेम में ओतप्रोत होकर, प्रेम में डूबे हुए, इसको बिना यूज किए, प्रेम में डूबे हुए, अभी फील करो इसको, फील कीजिए इसको, कैसी होती है वो स्थिति, प्रेम में डूबी हुई,
जैसे प्रेमिका या आज्ञाकारी संतान जो भी अपने प्रेमी से सुनता है उसे उसी वक्त दिल में धारण करता है, अपना अनुभव अपना दिमाग नहीं चलाता है, अपनी विधि नहीं लगाता है, अपना दिमाग अपनी विधि या दूसरों को देखकर विधि नहीं लगाता है, वो सीधा उसको दिल में उतारता जाता है। मुझे अभी फिलहाल यही सोचो, बाद में बताएंगे। मुझे कुछ सोचना नहीं, मुझे कोई प्लानिंग नहीं बनानी, इसका मतलब बाद में बताएंगे, धैर्य से सुनो पहले। मुझे कोई प्लानिंग नहीं बनानी, मुझे तो इसी वक्त जो मेरा बाबा बता रहा है, मुझे नहीं बनानी महीने की प्लानिंग। क्यों बनाऊं मैं, जब वो एक सेकंड में करवा सकता है तो मैं महीने की प्लानिंग क्यों बनाऊं। महीने के बाद भी तो एक घड़ी ऐसी आएगी कि जब दिल से कहोगे मेरा बाबा तभी होगा काम भी। प्लानिंग चाहे 10 साल की बना लो, कितनों का गुस्सा नहीं छूटा 10 साल में, हो गए ज्ञान में 15-20 साल, चिंता कहाँ खत्म हुई है, रूप बदल गया है। कईयों का लौकिक चीजों की चिंता अलौकिक चीजों की चिंता में बदल गया। संस्कार वहां टकराते थे लौकिक वालों से, यहाँ अलौकिक वालों से टकराने लगे। वहां मान शान की लौकिक वालों से इच्छाएं थी, यहां दूसरी इच्छाएं आ गई। कहां गया ज्ञान, बहुत कम हैं योगी जो इनसे बच पाए हैं। बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे योगी हैं, बहुत अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे हैं जो यज्ञ जिनके आधार पर चला है, चल रहा है। मेरा बाबा सुना रहा है, मैं इसी वक्त, मुझे महीने का टाइम नहीं रखना है। उसमें भी अकल आ गई, जैसे अंतिम दिन जो बच्चा तैयारी करता है, बस अब तो याद ही कर लेना है, अब रिवीजन का टाइम नहीं है। बाबा का अगला महावाक्य सुनेंगे तो हमारी ये एक्सप्लेनेशन जो बताई है वो ठीक लगेगी। अब तो अंतिम स्टेज पर हैं, आज वही सुनाने और अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आए हैं। अंतिम, बस ये समझिए, अब ये अव्यक्त वाणियां भी, हे मीठी आत्माएं, सारी की सारी दोबारा सिलेबस के रूप में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अभी अच्छी तरह से पी जाओ, दिल में उतार लो। हम भी इसलिए प्रयास कर रहे हैं, बस अब दिल में उतर जाए, सीधी सीधा दिल में उतर जाए। अब टाइम नहीं है, इसी वक्त कर रही हूं तैयारी, सुनते सुनते तैयारी कर रही हूं, अंतिम स्टेज पर हूं।
अब से धारणा करने से ही अंतिम मुहूर्त बनेंगे। साकार सबूत देखा ना, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था कि अलग अलग था? जो सोचा वही कर्म था। इसको अभी थोड़ा सोने दीजिए, थोड़ा इसको सोने दीजिए, बीच में ये इसको बोलने मत दीजिए, सीधा दिल आराम की बात दिल को सुनने दीजिए। देखिए सुंदर रिजल्ट आएगा, मुरली का बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा। दिल आराम की बात सीधा दिल को सुनने दीजिए, अपने भूतकाल के अनुभव, हार के जीत के जो भी है विधि के छोड़ दीजिए। आज आज भगवान डायरेक्ट साक्षात्कार मुहूर्त बनाने आया है, सीधा ऐसे लीजिए जैसे बाबा ने प्रैक्टिकल को उसी सेकंड किया। बस दिल में संकल्प लीजिए, संकल्प भी नहीं लीजिए, बस अभी फील कीजिए। संकल्प लेना भी फ्यूचर हो जाता है। बच्चों का कर्तव्य है फॉलो करना, पांव के ऊपर पांव फुल स्टॉप लेने का अर्थ, फुल स्टेप लेने का अर्थ ही है पांव के ऊपर पांव। जैसे के वैसे फॉलो करेंगे वह स्टेज कब आएगी? बहुत सूक्ष्म महावाक्य है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, हे आत्मा, हे ब्रह्मा की संतान, हे ईश्वरीय औलाद, हे लक्ष्मी नारायण के घराने में आने वाली आत्मा, हे श्री कृष्ण के संग रास करने वाली आत्मा, जैसे का वैसे पांव के ऊपर पांव फॉलो करेंगे, यह स्टेज कब आएगी? बस अभी जाने दो मन में इसको, डायरेक्ट आएगी नहीं, बस मैं फील कर रही हूं, फील कीजिए, ध्यान देंगे, इसको चलने मत दीजिए, थोड़ी देर गड़बड़ करता है, प्रश्न पूछता है, दुविधा में लाता है, काटता है, भगवान की बात को भी काटता है। भगवान की बात को फिल्टर करने की जरूरत है क्या? भगवान की बात में दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं है। भगवान की बात को अपने अनुभवों के थ्रू ले जाने की बात ही नहीं है। अनुभवों के थ्रू ले जाते हैं तभी उसमें मिक्सचर मिला देते। महारथियों के मुख से कब कब शब्द ही कमजोरी सिद्ध करता है, इतनी पावरफुल मुरलियां हैं ये। महारथियों के मुख से कब शब्द ही कमजोरी सिद्ध करता है? एक होता करके दिखाएंगे, एक होता हां करेंगे, सोचेंगे हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ है निश्चय बुद्धि। देखिएगा क्या मेरे जो बोल हैं, जो संकल्प हैं, आइए सूक्ष्मता में उतर जाइए, क्या मेरे मन में चलने वाले संकल्प, अगर आपकी अव्यक्त डायरी आसपास है तो उठा लीजिए, चैट पर नहीं लिखवाएंगे ये सच्चे प्रश्न, ये आपके और भगवान के बीच में होने चाहिए। आपके और भगवान के बीच चाहिए ये कम्युनिकेशन।
भगवान की बात को फिल्टर नहीं करना है, अपना उसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं करना है। चेक करो मेरे मन में चलने वाले संकल्प क्या संपूर्ण फेथफुल है, अपनी डायरी पर लिख लीजिए। आपकी सच्चाई आपके साथ, फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि, मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि, सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय, इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय, संकल्प भी निश्चय बुद्धि, एक एक संकल्प निश्चय बुद्धि। जो अभ्यास कराया था, जब हाथ भगवान के हाथ तो सोचने की है क्या बात, क्यों चले दिमाग दिन रात, इसी ने तो किए सारे खराब हालात। संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय, कभी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं। चेक करना क्या ऐसे फेथफुल संकल्प बोल कर्म है। यह है महारथी का अर्थ, महान। सुन लो सच्चा गीता ज्ञान, खोल के दोनों कान, लगा के पूरा ध्यान, हे आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। बैठो दो तीन मिनट, डाइजेस्ट कीजिए। इसी वक्त ब्रह्मा बाप समान बनने का संकल्प लीजिए, दिल से लीजिए, फील कीजिए संकल्प को। इसी वक्त से मैं ब्रह्मा, मैं फरिश्ता, इसी वक्त से, क्लास से उठने के बाद बदल जाना चाहिए, जैसे बैठे थे वैसे ही उठे तो समझो प्लानिंग तो बनाई होगी, अच्छा तो सोचा होगा, पर स्वरूप में उतारा नहीं, दिमाग में ही रखा है। बाबा कहते अंदर लेके जाओ, बीज धरती के गर्भ में ना जाए तो शक्तिशाली फल ना आए, मन के गर्भ में जब तक बात ना जाए। जब तक मन के गर्भ में बात ना जाए, तब तक तत्काल रिजल्ट ना आए।
जिस प्रकार से साइंस ने देखो चारों तरफ कितनी फास्ट गति की विधियां निकाली हैं, हे पुरुषार्थी आत्माएं। बाबा ने कहा साइलेंस की भी विधियां निकालो। भगवान की आंखों में आंखें डालो, वो बता सकता है तुम्हें जिस कार्य में वर्षों लगते हैं वो एक दिन में भी हो सकता है, एक क्लास के घंटे में भी हो सकता है, वो एक मिनट में भी हो सकता है, वो एक सेकंड में भी हो सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, तुम उसकी संतान है। पूछ के देखो अपने दिल से, ये बात दिल को छू रही या नहीं? छू रही तो सच्ची, नहीं तो समझो दिमाग सोया नहीं। पी जाओ बाबा की मुरली, अमृत है ये, इसी वक्त पी जाओ, अमर बना देगी, अमर स्थिति मिल जाएगी। पी जाओ इसको अभी। जिस प्रकार से आजकल कोई जूस होता है, वेजिटेबल या फ्रूट जूस, जो शक्ति देता है, या उसको थोड़ी देर रख देते तो वो ऐसी शक्ति नहीं दे पाता। इसी प्रकार से ज्ञान को भी अगर ज्यादा समय सिर्फ सुना सुना और सिर्फ रखा, हमारा मन उस ज्ञान से भी इम्यून हो जाता है। रोज सुनेगा, बच्चे तुम्हें क्रोध नहीं करना है, देवता क्रोध नहीं करते हैं, और वो इम्यून हो चुका है। इतना सुनते सुनते रखा हुआ है ये, वो कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए पी जाओ, जूस बनते ही पी जाओ। ठीक है, कोई डोज ज्यादा पावरफुल तो नहीं लग रही? अभी जवाब दे सकते हैं, ज्यादा हैवी तो नहीं लग रही? पावरफुल तो है लेकिन हैवी तो नहीं लग रही? बाबा साथ है, भूलना नहीं, ये भूल जाते हम तो पावर हैवी लगेगी। जब ये याद रखेंगे बाबा साथ है, बस इसी वक्त करवा देगा। बताइए क्या महसूस किया आज की वाणी से, क्या लिया? दो चार मिनट में बताओ। चलिए, बहुत अच्छा है।
सही डोज है, जरूरी है। बहुत अच्छा है। फिर भी किसी को भारी लग रही हो तो याद करो, बाबा साथ है, बाबा साथ है, बाबा साथ है। अकेले बनोगे तो भारी लगे, और अकेले ही चलते हुए आ रहे इसलिए तो भारी लग रहा। अगर भगवान को साथ लेकर चलते तो फिर सारा साल अगर सिलेबस तैयार करते तो फिर फाइनल डेट पर टेंशन थोड़ी होती है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, जो इतना हैवी डॉक्टर का इंजेक्शन लेके भी सुई लगी हुई भी हुई, लेकिन फिर भी डॉक्टर को धन्यवाद करते, अच्छे पेशेंट की अच्छे मन की निशानी है। बस किसी नशे से उठिएगा, अभी बदल गई हूं, बदलना है। वो प्लानिंग गलत नहीं है, जब फिर से यहाँ के लेवल पे आ जाओगे ना तो प्लानिंग बना के देनी पड़ेगी हमें भी, क्योंकि ज्यादातर हम इसके लेवल पे जीते हैं, परंतु थोड़ा समय तो इसके लेवल पे आ जाए, इसीलिए फिर अव्यक्त घंटा रखा है, इसीलिए अव्यक्त घंटा रखा कि कम से कम 1 घंटा पाठ्यक्रम, 1 घंटा अव्यक्त अनुभूति हो तो बहुत अच्छा रहेगा दिन। चलिए ठीक है, अच्छा अनुभव कर रहे हैं। हम शाम को 5 से 6 अव्यक्त अनुभूति करते हैं, लेकिन वो फाइनल डेस्टिनेशन चैनल पर होता है, फाइनल डेस्टिनेशन चैनल। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज रात को रूहानी पिकनिक है, रूहानी पिकनिक है। कौन कौन आएगा, पिकनिक का आनंद उठाएगा? हाथ उठा के बताओ सभी, पिकनिक का आनंद कौन कौन लेगा? बहुत अच्छा, 10 बजे पहले तो शाम की क्लास तो है ही है अव्यक्त की, फिर 5 से 6 क्लास है फाइनल डेस्टिनेशन पर, 10 बजे से सवेरे 4:30 बजे तक नाइट पट्टी रहेगी। ओम शांति। शुक्रिया, धन्यवाद।